अपन जो ये बात कर रहे थे अब तक, वो बात ये थी कि हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, लिहाजा ऐसी किसी कुत्सित चाल को कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ उपयोग नहीं कर सकता है। ना तो आप कहीं पे कोड ऑफ कंडक्ट या का वायलेशन कर रहे हैं, ना आप जो है ना कंडक्ट रूल का वायलेशन कर रहे हैं, और ये सभी जाति, सभी धर्म और सभी लोगों के अनुरूप है, तो सभी लोग इससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अंदर की जो नेगेटिविटी, निराशा को दूर करके और वो अपनी प्रोडक्टिविटी करके और वो कर सकता है। तो ये पॉइंट वन और पॉइंट टू आपको से सहमत है क्या? ओके, एकदम क्लियर है। अब अपन तीसरी बात पे आते हैं। वो है कि हर व्यक्ति जो है, यदि मैथिली शरण गुप्त करेंगे तो फटके चार हो जाएंगे, 137 करोड़ लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे, राइट? बिल्कुल तो यदि जो है मैथिली शरण गुप्त सिर्फ एक व्यक्ति जो है ना 10 व्यक्तियों को ऊर्जाकृत करता है, राइट, और उनको संकल्पित करता है, और वो एक चैन बनती है, राइट, संकल्प के साथ, और हर कोई सिर्फ अपने से जुड़े 10 लोगों को ही अकेला संकल्पित करे, तो पहले दिन मैथिली शरण गुप्त ने 10 को किया, राइट, दूसरे दिन उन 10 लोगों ने 10 को और किया तो 100 हो गए, फिर तीसरे दिन उन 100 ने 10 10 लोगों को किया तो 1,000 हो गए, चौथे मल्टीप्लाई दिन जो है 1,000 लोगों को फिर 10 10 लोगों को किया तो 10,000 हो गए, पांचवें दिन 1 लाख हो गए, छठवें दिन जो है 10 लाख हो गए, सातवें दिन 1 करोड़ हो गए, आठवें दिन जो है 10 करोड़ हो गए, और नौवें करोड़ दिन 100 करोड़ हो गए। हो गए, मेजोरिटी अब हो आप ये बताइए, इससे अच्छा रेखा गणित और इतना सरल क्या गए। संभव है? बिल्कुल नहीं, आपको किससे बात करना है? आप प्रचार केंद्र नहीं हैं, आप ऊर्जा केंद्र हैं, तो अपने बिल्कुल जुड़े हुए लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं। किससे बातचीत कर रहे हैं? नहीं जुड़े जो हमारे 10 परिचित हैं, आमतौर पर 10 आदमियों से डेली लोग बात करता ही है, ये करेक्ट। पहले तो यदि यदि हम यह काम संकल्पित भाव से करेंगे तो 9 9 दिन की बजाय 9 महीने में तो 100 करोड़ तक या 137 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। इसमें सभी शासकीय सेविक, सभी इंडस्ट्रियल, सभी समाज सेवी जो जो काम कर रहा है, उसको किसी को अपना काम कम करने के लिए कहा जा रहा है क्या? ना ना बिल्कुल कोई मतलब नहीं, आप काम करते हुए आप करें। अपना काम करिए, शिद्दत से करिए, ज्यादा प्रोडक्टिविटी से करिए, ज्यादा लाभ कमाइए, तो किसी से कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, राइट? फिर आप अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों से बात करेंगे तो आप मुझे ये बताइए, आज के समय में हम सब लोग स्वार्थी हो गए हैं, हम उससे बात करते हैं जिससे काम होता है, बात है। क्योंकि हम इतने व्यस्त होते हैं कि जीवन में जो है दूसरे लोगों से अनावश्यक बात करके अपना समय खराब नहीं करना चाहते, राइट? ठीक बात। तो यदि इसमें संकल्पित होके यदि हम हर रोज जो है अपने प्रभाव क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बातचीत करके यदि हम ऊर्जाकृत करेंगे तो हमारे नेटवर्किंग में सरसता और मधुरता और प्रेम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, सकारात्मक रहेंगे हम लोग, एक दूसरे के राइट। प्रति समर्पित होंगे अच्छा, तो दूसरी बात है कि जब अभी आप बात करते हैं तो अपने काम से करते हैं तो बात। आपका जो है सेल्फ एस्टीम जो थोड़ी सी नीचे रहती है, क्योंकि आप खुदगर्ज होके बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी बिल्कुल टोन में भी थोड़ा सा दबापन और एक झिझक रहती है, लेकिन यदि बिना स्वार्थ के आप अपने जुड़े हुए लोगों से, जिनके साथ आपका वर्षों से संबंध है, ट्रस्ट है, उनसे यदि आप बातचीत करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होने आपका चाहिए। आत्मसम्मान ज्यादा होगा, आप ज्यादा अच्छे ढंग से और ज्यादा कन्विंसिंग ढंग से बात कह पाएंगे, और आपकी मदद के लिए 1200 से ज्यादा ऑडियो और वीडियो क्राइम फ्री भारत में अवेलेबल हैं, जिनको जो आपको अच्छा लग रहा है उसका आप उपयोग कर लीजिए, राइट? तो कर लीजिए उसको, उनको दिखाइए, बताइए, समझा सकते। अब आप मुझे ये बताइए, अपन 1 मिनट मान लेते हैं कि हम 100 करोड़ तक पहुंच जाते हैं या 137 करोड़ तक पहुंच जाते हैं, अब ये 100 करोड़ लोग जो है थाली बजाकर शंखनाद करते हैं, दीपक जलाकर अंधकार को दूर करते हैं, और छोटा सा वीडियो चलाकर हम अपने चुने हुए प्रतिनिधि से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं वो सब लोग सीधे करेंगे, भेजेंगे उसको मैथिली शरण गुप्त, लेकिन प्रसारित होगा सभी लोगों के अपने उसमें, राइट?
और लोग बाग जो है ना, ये थाली कहाँ बजा रहे हैं? अपने घर के छज्जे पे, अपनी छत पे, यदि छत वो नहीं है तो तरबू अपने चबूतरे पे, चबूतरे पे नहीं है तो चौखट पे खड़े होकर बजा लीजिए भाई, राइट? उन्होंने वीडियो भेज दिया, अभी एक बात पहुंच गई। ठीक बात है, तो बहुत ऐसा करने पे इस बात की संभावना बहुत बढ़ जाएगी कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उस दबाव में आए जिस और वो कानूनों में परिवर्तन करें, राइट? और आवश्यकता कानून में क्या परिवर्तन करना है वो भी सूची जारी हो चुकी है। वो जारी आपने देखा होगा, वो बाकायदा हमने विधिवत सूची जारी की है, और जो कि हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डालता हूं, उसमें ये बात कही गई है कि हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र ने पार्टी तंत्र की हत्या कर दी है। पॉलिटिकल व्हिप देके पार्टी तंत्र अपने आप में एक अलग जो है ना वो बन गया है, जो भारतीय और राष्ट्रीयता से के साथ कई बार मेल नहीं खाता है। उसके स्वार्थ जो है कई बार भारतीयता पे और नेशनल इंटरेस्ट पर ज्यादा भारी पड़ जाते हैं। तो उसका स्वार्थ भी हो सकता है, उसका डर भी हो सकता है, राइट? बिल्कुल और डर हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, राइट? एकदम सही बात है, बिल्कुल सही सही। तो पार्टी विहीन जो है ना प्रजातंत्र कैसे होगा, इसके बारे में भी हमने वीडियो जारी किया है। फिर हमारा कहना है कि अपराधी विहीन राजनीति चाहिए। तो राजनीति में जो अपराधी हैं, अपन उसमें थोड़ा सा डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि इसमें उनको अपराधी नहीं माना जाएगा जिन्होंने कोई कहीं चक्का जाम या इस तरीके की बात कही है। भविष्य में तो चक्का जाम करने की इजाजत ही नहीं होगी, तो यदि आप चक्का वो जाम भी करेंगे तो वो भी अपराध माना जाएगा, भी माना जाएगा, क्योंकि आपको अपनी बात कहने के लिए चक्का जाम क्यों करना है? क्यों करना है तो आप जो ना थाली बजा के दीपक जला के अपनी बात कहिए ना। कहिए। और इतने सारे लोगों का जब ये शंखनाद होगा तो ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअली और फिजिकली भी पहुंचेगी बात वहां तक, और तो लोग भी। ये एक तो जो है अपराधी विहीन राजनीति चाहिए, जबकि ग्राउंड पर इसका उल्टा हो रहा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अब 205 अपराधी चरित्र के एमएलए हैं, उनके अपने एफिडेविट के हिसाब से 403 में, जो कि 51% है, तो 50% का मार्कअप जो है ना पार कर गया है। और हमारे पार्लियामेंट में 42% क्रिमिनल्स हैं। 2024 में यदि मिड कोर्स करेक्शन नहीं हुआ तो 2024 में पार्लियामेंट में ये मार्का 50% को क्रॉस कर जाएगा। कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? तो अब जो है हम जो है ऊर्जा केंद्र के माध्यम से, जिसमें कि कोई हमारा वो नहीं हो रहा है, हम किसी को अपना काम बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं, जो समाज सेवा कर रहा है वो समाज सेवा करे, जो जो कुछ भी कर रहा है वो करता रहे, उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई परिवर्तन बल्कि नहीं है। तो इसको हम जो है क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा केंद्र बनाने में हमें कोई दिक्कत आना चाहिए क्या? एकदम नहीं आना चाहिए। कोई मतलब कॉन्सेप्ट बहुत साफ साफ स्पष्ट है सर, इसमें इसमें ऐसा इसमें हम सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को भी अपना ऊर्जा केंद्र बना सकते हैं, क्योंकि वो भी अपनी पार्टी का काम करते रहें और हमारे ऊर्जा केंद्र भी रहें। कोई कॉन्ट्राडिक्शन थोड़ी है इसमें, राइट? दिक्कत नहीं, कोई कोई विरोधाभास नहीं है आपस में, कोई इसमें सभी समाज सेवी संगठन जो भी अच्छा काम कर रहे हैं वो भी करते रहें, ये भी करें। बिल्कुल सभी जाति के सभी धर्म के लोग जो है इससे जुड़े, सब लोग जो सकते हैं, कहीं पे कोई एक दूसरे के प्रति वही नहीं है करेक्ट। तो नहीं। अब इसमें जो नेक्स्ट जो इसकी मांग है वो है कि ऐप के द्वारा खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था, जिसमें खर्च करना एक अपराध होगा, जिसमें 1-to-1 कैनवासिंग करना भी एक अपराध होगा। तो मैथिली शरण गुप्त जो है चुनाव नोटिफिकेशन के बाद जो है शुक्ला जी से 1-to-1 जाके बात नहीं कर सकते हैं, और यदि हम बिल्कुल बात करते हैं तो हमें डिक्लेरेशन देना होगा कि हमने इसमें कोई चुनाव संबंधी बात नहीं की है, क्योंकि वो दैट विल बी ए क्राइम। हाँ, हमने इनका ब्रेन वॉश नहीं किया है, हमने कोई नहीं, इन्फ्लुएंस हमको जो कुछ भी कहना है वो हम डिजिटल तरीके से क्रिएट किया जाएगा, और वो डिजिटल तरीके से करने के लिए भी आपने पैसे खर्च नहीं किए हैं। अदरवाइज चुनाव आयोग की ये जिम्मेवारी होगी कि वो आपका वीडियो तैयार करें और साथ में सर्टिफिकेट भी दें कि
कि सभी उम्मीदवारों के वीडियो एक ही क्वालिटी के हैं। आप बात समझ रहे हो ना? बिल्कुल। जब आप वीडियो जारी करेंगे तो यदि आपने अपनी झूठी बड़ाई की है तो आपके विरोध में उसी ऐप में कोई भी कंटेंट डाल सकता है कि साहब देखिए इन्होंने ये बात मैथिलीशरण गुप्त जी ने गलत बात कही है, देखिए सही बात ये है और ये इसके प्रमाण हैं, राइट। फिर इलेक्शन कमीशन जो है सभी के ऐसे यदि जो भी रिस्पांस आएंगे उनको रिसर्च करके उसको कन्फ्रंट्रेशन के लिए तैयार करेगा। सो आई विल बी कन्फ्रंटेड विद द थिंग्स विच जो कि मेरे जो है ना मैंने जो क्लेम किए हैं उनको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए होंगे, राइट। यदि आपराधिक रिकॉर्ड है तो आपराधिक रिकॉर्ड का जो है बाकायदा उस समय पेपरों में क्या छपा, फरियादी ने क्या कहा, इसने क्या कहा, उस तरीके का जो है ना लाइव कंट्रोल होगा कि देखिए आपने ये किया, देखो ये हुआ वहां का जो है ना ये पेपरों में छपा, इसमें ये हुआ, तो आप जो है कैसे जो है ना जनता के प्रतिनिधि हो सकते हैं, तो उन चीजों पर दबाव देना पड़ेगा, राइट। यदि आप पुराने जनप्रतिनिधि रहे हैं तो उस समय आपने विधानसभा में या पार्लियामेंट में क्या आपका परफॉर्मेंस रहा उसके एक्सेप्ट दिखाए जाएंगे, उससे कॉन्ट्राडिक्ट किया जाएगा कि आपको जनता वोट क्यों दें क्योंकि आपको 5 बार मौका मिला और आपने 5 पैसे भी जो है ना कंट्रीब्यूट नहीं किया, हेंस यू आर नॉट ए डिजर्विंग कैंडिडेट। यू शुड बी जस्टिफाई योरसेल्फ, करेक्ट। तो आपका प्रचार कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, आपका अपना परफॉर्मेंस वो करेगा। आप अपना गलत प्रचार करेंगे तो उसके लिए जो है ना आपको कन्फ्रंट किया जाएगा, राइट। देन इन सब चीजों के जो वीडियोज होंगे वो अब ऐप कैसे काम करेगा वो मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। वो ऐप जो है पहले आपकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करेगा, राइट। तो वो आधार कार्ड से, ड्राइविंग लाइसेंस से, जितनी भी 25 आइडेंटिटी आप वेरीफाई करेगा, वो उसका कोई जो है ना एक आइडेंटिटी से उसका काम नहीं चलेगा। और फाइनल आइडेंटिटी आपकी इस्टेब्लिश होगी जब वो आपके बैंक के अकाउंट से 1 रुपए डिडक्ट कर पाएगा। देन जो है ना ऐप विल इशू ए सर्टिफिकेट कि यस मिस्टर यू आर मिस्टर बीएम शुक्ला, भर्ती योर फुल नेम इज बीएम शुक्ला ना, भूपनाथ शुक्ला फुल नेम इज बीएन शुक्ला, राइट। तो बीएन शुक्ला तो ऐप आपको सर्टिफाई करेगा, हे मिस्टर बीएन शुक्ला योर आइडेंटिटी इज हियर बाय सर्टिफाइड। तो आपको अपनी आइडेंटिटी सर्टिफाई नहीं करना है, ऐप आपके एविडेंस को कैप्चर करके, कोलेक्ट करके, डाटाबेस में जो है ना उसको सेव करके और फिर वो सर्टिफिकेट इशू करेगा, यस यू आर बी एन शुक्ला। कितना वंडरफुल चीज है, बहुत बढ़िया, राइट। नाउ नंबर 2 पे वो आपसे कहेगा कि चारों तरफ कैमरा घुमाइए, आर यू इन आइसोलेशन। तो वो अपने आप को संतुष्ट करेगा कि आप आइसोलेशन में है कि नहीं है। उसको संतुष्ट करने के बाद वो जो है आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू करेगा, यस मिस्टर बीएन शुक्ला यू आर इन आइसोलेशन, राइट। तीसरा वो आपको फिर जो है ना फियर साइकोसिस टेस्ट करेगा कि ऐसा तो नहीं है कि आपके परिवार को बाहर जो है ना किसी ने गन पॉइंट पे रोका हुआ हो और आपको आपको जो ना वोट करने के लिए कमरे में बंद कर दिया गया हो। तो वो आपके टेस्ट लेगा, उन टेस्ट के आधार पर वो ये डिसाइड करेगा कि आप किसी भय में तो नहीं हैं। यदि आप भय में होंगे तो वो ऐप कहेगा यू आर अंडर द फियर सम फियर, ए पुलिस पार्टी हैज बीन सेंट टू जो है ना रिकॉर्ड योर FIR एंड टू टेक केयर ऑफ द पर्सन हु हैज क्रिएटेड फियर इन योर माइंड, राइट। योर जो है वोटिंग हैज बीन पोस्टपोन फॉर द 3 डेज, राइट। अब अभी अज्यूम करिए कि आप अंडर फियर नहीं है तो वो सर्टिफिकेट जारी करेगा, यस मिस्टर बी एन शुक्ला यू आर नॉट अंडर एनी फियर, राइट। सो अब इसके बाद नेक्स्ट वो कहेगा नाउ यू आर फिट टू जो है वोट, बट वी वुड लाइक यू टू बी ए इन्फॉर्म्ड वोटर, राइट। तो जो उम्मीदवारों का जो अभी तक अपन बात कर रहे थे कि वीडियोज होंगे, ये होंगे, वो होंगे, वो सब जो है ना उसे देखना पड़ेंगे एंड उसकी कुछ कुछ क्वेरी के जवाब देना पड़ेंगे। तब उसके बाद जो है ना ऐप विल इशू ए सर्टिफिकेट, हे मिस्टर बी एन शुक्ला यू आर नाउ इन्फॉर्म्ड वोटर, आई एम ओपनिंग द वोटिंग पोर्टल फॉर यू, राइट। अब आपने जो है ना उसमें वोट दे दिया, अब ये बताओ
इसमें ना आपको पोलिंग बूथ बनाना है, ना ये करना है, ना वो करना है, ना वोटिंग मशीन लगना है, ना कुछ लगना है, और हर चीज के डिजिटल एविडेंस होंगे। इसमें एक ढेले भर की गड़बड़ी की कोई स्कोप नहीं है, राइट। अब अज्यूम करिए कि आपने वोट दे दिया, तो इट विल इश्यू ए सर्टिफिकेट, मिस्टर वी एन शुक्ला यू आर हियर बाय, जो है ना, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी का निर्वहन किया है, राइट। ठीक है ना। अब अज्यूम करें कि आपने वोट नहीं डाला, तो वो कहेगा कि मिस्टर वी एन शुक्ला, वी हैव गिवन यू सो मच अ रिमाइंडर, सो मच अपॉर्चुनिटी, बट आपने जो है अपने संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है, अतः अगले चुनाव तक आपको हर कार्य में 10% ज्यादा जो है अधिभार लगेगा, राइट। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि अगले चुनाव में आप अपने संवैधानिक कर्तव्य का जरूर पालन करेंगे। पालन करेंगे। अब आप ये बताओ, आपकी 100% वोटिंग अगले चुनाव में होगी कि नहीं होगी? सर बहुत बिल्कुल होगी, एकदम 100% लोग पहले से 6 महीने पहले से वो ऐप की ट्रेनिंग लेना शुरू करेंगे। अब आप ये बताइए कि इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम आपको जो ना कोई डेवलपमेंट का काम रोकना है, ना कुछ करना है, ना ये ना वो, तो आपको ना फालतू के कार्यकर्ता, चुनाव घर बैठे हो गया एक दिन में। अब आप ये बताइए ना, आपको जो है ना पुलिस चाहिए, ना आपको कुछ चाहिए, ना आपका डेवलपमेंट रुक रहा है, और जिस व्यक्ति में औकात होगी वही जीत पाएगा। वही जीत पाएगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ना पार्टी प्रचार कर रही है, ना कोई दूसरा व्यक्ति प्रचार कर सकता है, ना आप 1-to-1 कैनवासिंग कर रहे हैं, तो इट इज योर ओन कंडक्ट, योर ओन परफॉर्मेंस, योर ओन प्रोफाइल दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इलेक्शन। आप सहमत हैं इस बात से? एकदम सहमत सर, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, मगर ये हमारे लॉ मेकर इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? देखो ऐसा है, फिर मूर्ख बनाना पड़ेगा ना फिर लोगों को। मूर्ख कैसे बनाएंगे? फिर आप जो है ना, आप अपने वोट बैंक कैसे बना पाएंगे? फिर तो आप एक्सपोज हो जाएंगे, फिर तो आपके स्टार प्रचारक जाके जो है ना आपका प्रचार नहीं कर पाएंगे, ठीक बात है। फिर आपका जो गंदा चरित्र है उसको जो है ना कन्फ्रंट्रेशन में जो है ना सबके सामने आपका जो है ना उड़ा हुआ रंग जो है उड़ा हुआ रंग दिखाई देगा। आपने जो कोई परफॉर्मेंस नहीं किया है, मुंह ही नहीं खोला है, तो वो तो उसी में कह दिया जाएगा, भाई साहब आपने पहले मुंह नहीं खोला तो अब आप क्यों आपको चुना जाए? बिल्कुल बिल्कुल, तो दिस बात विल नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर और जबरदस्त है। अब ये नेक्स्ट जो है क्राइम फ्री भारत की मांग है कि साइबर क्राइम फ्री भारत होना चाहिए। हमारे पास मॉडल है, 3 से 6 महीने में हम भारत को साइबर क्राइम फ्री कर देंगे। यदि किसी को कंफ्यूजन है तो मेरे वीडियो सुन ले वो, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है कि हम पेपर करेंसी मुक्त भारत कर देंगे, ठीक है ना। तो यदि पेपर करेंसी मुक्त भारत हो जाएगा तो फिर काला धन होगा क्या? फिर कहीं मतलब ही क्या इसमें भ्रष्टाचार होगा क्या? नोटबंदी की जरूरत ही नहीं है भाई। हाँ। फिर जो है, क्या आप ये बताइए, जो ड्रग माफियाज हैं वो होंगे क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर क्या अस्त्र माफिया होंगे? फिर नहीं हो सकते, क्या टेररिस्ट होंगे? तो कभी नहीं हो आपकी सकता। सभी चीजों का एक छोटा सा समाधान है, क्या दिक्कत है इसमें? कहीं कोई दिक्कत नहीं अच्छा, है। फिर अगला है कि इससे इतना ज्यादा पैसा जनरेट होगा क्योंकि 2% ट्रांजेक्शन फीस होगी। तो आज जो सरकार पसीने बहा के भी पैसा नहीं इकट्ठा कर पा रही है, इससे 4 से 10 गुना ज्यादा पैसा होगा, और डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल होगा, और क्राइम फ्री भारत का जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो भी 10 गुना ज्यादा पैसा पैदा करेगा। तो आपके पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा, काला धन होगा नहीं, भ्रष्टाचार होगा नहीं। तो आप ये बताइए, ये देश कितनी रफ्तार से डेवलप होगा? बहुत तेजी से डेवलप होगा और लोगों में सद्भावना डेवलप होगी, यही एक समय है होगा जब फिर हम सबको। भारत को जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक मॉडल है जिसके बारे में अभी हमें वीडियो बनाना है, हम बहुत जल्दी बनाएंगे, उसके माध्यम से हम अपने कृषकों की आमदनी ओवरनाइट 5 गुना,
और आगे चल के 5 साल में 25 गुना और 10 साल में 100 गुना करेंगे, भारत एक हाथ सोने की चिड़िया नहीं सोने का हाथी होगा, सोने का हाथी होगा, चिड़िया नहीं हाथी। अब आप ये बताइए, आपकी कोई समस्या बची? और भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा रिसर्च डेवलपमेंट हब होगा, वैदिक हब होगा और विश्व गुरु भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें शक नहीं है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल नहीं। अब जो है सवाल ये उठता है कि आप जो है अपने आसपास के जितने भी समाज सेवी संगठन हैं, जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जितने भी विभिन्न जातियों के आजकल ग्रुप बन गए हैं, उन सब ग्रुप में जुड़ के और ये हम उनको ऊर्जाकृत करेंगे तो हम जो है अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को अन्वय विनय प्रार्थना भी कर पाएंगे, विवश भी कर पाएंगे और जरूरत होगी तो उन्हें पराजित भी कर पाएंगे, वो भी बिना चुनाव प्रचार के। बिल्कुल बिल्कुल, निसंदेह निसंदेह निसंदेह, इसमें कहीं कोई, अभी तक चली क्या था, हमने 2-3 बार आपसे बात की जो थी, जो पहले डिस्कशन सुना था उसमें कॉन्सेप्ट हमें पूरा क्लियर नहीं था, आज मैंने इसको बहुत बारीकी से सुना भी है और बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन भी किया है। और जिन लोगों ने इस पर कहीं कहीं जो आपके डिस्कशन में आपत्तियां कभी कहीं जताई हैं, वो चीज़ें जो है अब क्लियर है, अब क्लियर है, मैं समझ पा रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ये ऊर्जा केंद्र आपका एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल हर हाल में फायदेमंद ही फायदेमंद है, इसमें कोई लॉस का कहीं कोई मतलब ही नहीं होता या कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी को भी इस कॉन्सेप्ट से परहेज नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। तो यदि ये बात हम अपने से जुड़े लोगों से कहेंगे, नए लोगों से नहीं कहेंगे, तो उनको तो हम और आसानी से समझा पाएंगे। एकदम 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 बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें एक ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये मैग्नेटिक थ्योरी पे है। मैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है कि जो ऊर्जा केंद्र है उसमें चुंबकीय शक्ति आ गई है, वो अपने प्रभाव क्षेत्र के लोहे के पास पहुंचेगी तो बिना प्रयास किए उसके सभी सभी जो बिंदु हैं, सभी पार्टिकल्स हैं, वो नॉर्थ साउथ में रीअलाइन होके चुंबकीय शक्ति प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। अब जो है ये प्रक्रिया इतनी तेजी से होगी कि अपन ने 9 दिन में जो है ना अपन 100 करोड़ या 137 करोड़ हो जाएंगे, ठीक है ना। अब सवाल इसमें एक दिक्कत है जो मैं बताना चाहूंगा कि क्या जो है ये चुंबकीय शक्ति रखने वाले अपने प्रभाव क्षेत्र के पत्थरों को क्या ऊर्जाकृत कर पाएंगे, क्या उनको मैग्नेट बना पाएंगे, ये समस्या है, राइट। अब इस समस्या का एक मैं उदाहरण बताता हूं कि पत्थर 2 तरीके के हैं। एक पत्थर वो है जो आज की व्यवस्था से लाभ उठा रहा है, लिहाजा वो आज की व्यवस्था को नहीं बदलना चाहेगा, तो वो हमारे लिए पत्थर जैसा है, क्योंकि वो सब चीज समझेगा लेकिन करेगा नहीं, क्योंकि उसे लाभ तो आज की व्यवस्था में मिल रहा है, तो समझ की प्रॉब्लम नहीं है, इंटेंशन की प्रॉब्लम होगी, तो वो हमारे लिए पत्थर है, ठीक है ना। और दूसरा पत्थर वो है जिसके एक्सपीरियंस इतने खराब हैं कि उसे लगता है कि भारत में इतनी दुष्टता हावी है कि कुछ नहीं हो सकता है, वो इतना निष्क्रिय हो गया है कि उसका लोहा पत्थर में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन इसमें अच्छी चीज ये है कि जो पत्थर है वो लोहे की आगे की एडवांस स्टेज है, राइट, तो उसमें महा ऊर्जा केंद्र बनने की शक्ति अवेलेबल है। तो यदि हाँ, यदि चारों तरफ से ऊर्जा की बम्बार्डिंग जब होगी तो वो अपने आप वो महा ऊर्जा केंद्र बनेगा। तो बाकी लोग क्या बन रहे हैं, ऊर्जा केंद्र बन रहे हैं, ये पत्थर क्या बनेंगे, महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे, तो वो ज्यादा एनर्जी के साथ बनेंगे, ठीक है ना। और इसके लिए जो है हमने कबीरदास जी के दोहे का यूज किया है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। मैं भी हो गई लाल, बहुत बढ़िया। तो ये जो पत्थर है ये लाल होने से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ लाली ही लाली होगी, चारों तरफ ऊर्जा का प्रकाश ही प्रकाश होगा और पूरा भारत प्रकाशित हो जाएगा
और भारत की व्यवस्था भी प्रकाशित हो जाएगी और भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो जाएगा। दोबारा शुक्ला जी, अब मैं आपके ऑब्जेक्टिवली सुनना चाहता हूँ कि मैंने पूरे विस्तार से आपको समझाने की कोशिश की है, आपने कहाँ तक समझ पाया है? देखिए सर, मैंने जो समझा है इस बार जितना आपने समझाया, खास तौर से ऊर्जा केंद्र वाला जो पार्ट है, जो हमारा अंतिम डिस्कशन का जो पार्ट है, इस पर मैं क्या बताऊं आपको, एक ऐसी विधि आपने बताई है कि जिसका लाभ ही लाभ है, जिसमें कहीं कोई कॉन्सेप्ट कहीं से निगेटिविटी है ही नहीं, तो उसमें मैं क्या बताऊं आपको, कोई निगेटिविटी है नहीं, बस जरूरत है इसको प्रैक्टिस में लाने की। नहीं तो इसको प्रैक्टिस में तो लाने का बड़ा सिंपल तरीका है कि आप जो है अपने आप को क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा केंद्र के रूप में संकल्पित करें, राइट। और जब तक हम एक इसके लिए ऐप ला रहे हैं, वो थोड़ी कुछ देर हो रही है, तो वो आपके जो है, आपने किस किस को ऊर्जा कृत किया है, वो सब डायमेंशन को कैप्चर करेगा, राइट। और सोचने से आते हैं हम हजारों लोगों को ऊर्जा कृत कर सकते हैं, 10 छोड़िए, हम जैसे लोग जो है सैकड़ों हजारों लोगों को। आपको आपको ये मालूम है कि जो हजार लोगों को ऊर्जाकृत करेगा उसे महा ऊर्जा केंद्र कहा जाएगा। मैं अपनी क्षमता और अपनी मॉरल रिस्पांसिबिलिटी और प्लस अपनी कैपेबिलिटी जितना समझ पा रहा हूँ मैं, मेरी कैपेबिलिटी शायद इस स्तर की है, और ऐसा किया है हम लोगों ने जिस भी सेक्टर में काम किया हमारा। तो आपको नहीं लगता है कि हम सभी लोगों को आज से ही इस काम में भिड़ जाना चाहिए? लगना चाहिए, सुबह से शीघ्रम शुभ, जितना कार्य जितना जल्दी हो सके उस पर सोचने की जरूरत ही नहीं है, उसको प्रारंभ ही कर देना चाहिए, उसके लिए विचार और सारी चीजें का कोई मतलब ही नहीं होता, अच्छा काम है तुरंत इसी क्षण से स्टार्ट करना चाहिए। आपको इसमें कोई नेगेटिविटी या कोई इफ एंड बट समझ में आ रहे हैं क्या? कहीं कुछ नहीं है ही नहीं, इसका बता तो रहा हूँ, हर व्यक्ति को, निगेटिव आदमी को भी, हर धर्म के लोगों को लाभ ही लाभ है। इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर ये है कि जैसे ही ऊर्जा केंद्र से उसके अंदर ऊर्जा डेवलप होगी तो वो पॉजिटिव अपना फोकस, सब प्रोडक्टिविटी, सब सारी चीजें बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे कहीं इसमें सकारात्मक होना है, बस चीजों को समझना है, सकारात्मक होना है, और वहां से उसका स्टार्टिंग हो जाएगी, वो सही चीजें समझ पाएगा। अच्छा, जो पाथवेज बताया गया है, जो प्रक्रिया बताई गई है, वो प्रक्रिया एकदम सरल और अकाट है, जिसमें आप नए व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हैं, और जो आपके प्रभाव क्षेत्र के पत्थर हैं उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बाद में महाऊर्जा केंद्र खुद ही बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे ही लोगों ने अपने, करोड़ों लोगों ने अपने वीडियोज, अपने वो सब डालने शुरू किए ऐप पर, तो पता ही चल जाएगा कि हम लोग कितने बड़े ऊर्जा केंद्र बन चुके हैं। एकदम बिल्कुल सही है, वो जो आपका प्लान है ना सर, बहुत जबरदस्त है, और बगैर बैठे बैठे सारी चीजें अचीव की जा सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। जरूरत पड़ेगा तो मैं किसी को भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं जो है अब नेक्स्ट सेशन में आपको मौका दूंगा कि आप इसको एक्सप्लेन करें, ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से आपकी वाक्पटुता, आपका जो है उसको प्रस्तुतिकरण का तरीका मुझसे बेहतर होगा, आप उसे ज्यादा अच्छे अलंकृत ढंग से कह पाएंगे, क्योंकि मैं तो सीधा एक इंजीनियर हूँ और पुलिस ऑफिसर हूँ, ठस आदमी बात है। मैं हम लोगों का चूंकि सेक्टर सोशल रहा है और हम लोगों का मोटिवेशनल पार्ट ही, एक्चुअली हम लोगों ने जो किया अभी तक समाज को जागृत करने का ही काम किया, अवेयरनेस ही सबसे बड़ा पार्ट है सोशल वर्क का। आप सिर्फ आदमी को ज्ञान दे दिए, उसको अवेयर करा दीजिए, नहीं, यहाँ पे शुक्ला जी एक चीज और समझना पड़ेगी कि आप केवल उसे ज्ञान नहीं दे रहे हैं, आप उसको एकीकृत करके कैसे वो मैनिफेस्ट करेगा वो भी ला रहे हैं। वो आप ऐप तो, बता देगा ना सर, हम कितने सक्सेस हैं, हाँ, या कितने हम कर पा रहे हैं, यू कैन एग्जामिन। जब ई गवर्नेंस में हम हैं, उससे जुड़ गए, क्राइम फ्री भारत से जुड़ जाएंगे, तो हमारी एक्टिविटी तो सब रिकॉर्डेड शुरू हो जाएंगी ना, जो भी हम करेंगे, तो उसमें कहीं कोई बट है ही नहीं है। इसमें आपने वो समझा है कि कैसे जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है?
नहीं अभी ये नहीं समझा सर, ये मैं तो समझ रहा मैं आपको समझाता हूं कि जब हूँ। तक ऐप नहीं आता है तब तक हम कैसे जो है ना इसे आगे बढ़ाएंगे। तो ठीक बात। जैसे आप ऊर्जाकृत हुए तो हमने आपको ऊर्जा केंद्र दिया है, तो मैं अपने आप को महा महा ऊर्जा केंद्र जो है ना घोषित करता हूँ पहले, ठीक है ना, क्योंकि सब चीजें मेरे लेवल पे आके इंटीग्रेट हो रही है, ठीक है ना। ठीक बात है। तो जैसे मैंने आपसे सीधे बात की तो आप किसके द्वारा ऊर्जाकृत हुए, महा महा ऊर्जा केंद्र के माध्यम से सीधे ऊर्जाकृत हुए, राइट। तो आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम होगा क्राइम फ्री भारत, CFB ऊर्जा समूह BN शुक्ला, राइट। ठीक है। उसमें सिर्फ दो लोगों के नाम होंगे, एक तो मुझे जोड़ेंगे महा महा ऊर्जा केंद्र के माध्यम से और एक आप होंगे ऊर्जा केंद्र बने, ठीक है ना। अब आपको मैं जो है किसी व्यक्ति को ऊर्जाकृत किया, राइट, तो उसको आप अपने ग्रुप में जोड़ देंगे, राइट। और फिर वो जो है एक ग्रुप बनाएगा जिसका नाम होगा, अज्यूम करिए कि आपने एक कोई नाम लीजिए आप अपने परिचित का, तो हाँ, लाल बिहारी। आपने लाल बिहारी को ऊर्जाकृत किया, राइट। अब लाल बिहारी का नाम जो है आपके ग्रुप में जुड़ गया, तो अब आपके ग्रुप में हो गए तीन लोग, राइट, मैथिली शरण गुप्त, BN शुक्ला एंड लाल बिहारी, राइट। अब लाल बिहारी ऊर्जाकृत हो गए हैं, तो लाल बिहारी के ग्रुप में जो है लाल बिहारी को अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है जिसका नाम होगा CFB ऊर्जा समूह लाल बिहारी, राइट। उनके उसमें तीन नाम होंगे, एक नहीं दो नहीं होंगे, तीन होंगे, एक वो खुद एज ए ऊर्जा केंद्र, राइट, दूसरा आप क्योंकि आपने उन्हें ऊर्जाकृत किया और आप उनकी एक्टिविटीज को फॉलो मॉनिटर भी करेंगे, ठीक है ना, और तीसरा महामहा ऊर्जा केंद्र के रूप में मैं विद्वान रहूंगा। तो मैं जो है हर जगह विद्वान रहूंगा, तो जब मैं ये देखूंगा कि आपके ग्रुप में ये नाम आ गया और ये ऊर्जा केंद्र भी हो गया है, तो आपको एक पोटेंसी मिल जाएगी, राइट। अब आप अपने परिचित किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लीजिए, हाँ, राधे श्याम। तो राधे श्याम, तो अब आपके उसमें चार लोग हो गए, मैथिली शरण गुप्त, BN शुक्ला, लाल बिहारी और राधे श्याम, राइट। अब राधे श्याम ने जो है अपना ग्रुप बनाया और जिसका नाम होगा CFB ऊर्जा समूह राधे श्याम, राइट। और उसमें जो है राधे श्याम जुड़ गए, उनको राधे श्याम को ऊर्जाकृत किसने किया, BN शुक्ला जी ने, तो BN शुक्ला ऊर्जा कृत करने वाले हो गए और मैं कॉमन रहूंगा महा महा ऊर्जा केंद्र मैथिली शरण जुड़ गए, राइट। अब हमें मालूम है कि आपको जो है ना दो पोटेंसी हो गई, राइट। आपका जो है ये कर्तव्य बनता है कि चूंकि आप जो भी ऊर्जाकृत कर रहा है वो उन जितने लोगों को उसने ऊर्जाकृत किया वो आगे जो है ना संकल्पित होके काम करते रहें, तो आपसे जो 4, 5, 10, 20, 50 जितने लोग भी जुड़े हुए हैं उनको हर दिन वो अपना संकल्पित काम कर रहे हैं, ये फॉलो अप की जिम्मेवारी आपकी है, राइट। और बिल्कुल इससे आपको पोटेंसी मिलेगी। अब इस पोटेंसी को एक राजनीतिक ढंग से देखने की कोशिश करते हैं, यदि कल जो है हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारी बात को नजरअंदाज करते हैं तो हमें तो तभी सफलता मिलेगी जब हम पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के वो सब व्यवस्थाओं को लाते हैं, क्योंकि बाहर से कुछ नहीं हो सकता है, राइट। तो फिर हमें जो है अपने महा ऊर्जा केंद्रों की जिनकी ज्यादा पोटेंसी होगी उस पोटेंसी वाले हाईएस्ट पोटेंसी वालों को बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने MLA और MP का उम्मीदवार घोषित करना होगा और 100 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से बिना चुनाव प्रचार के उन्हें जिताना होगा। बताना होगा। बहुत तो हम जबरदस्त। जो है आसानी से 545 या दो, अभी चूंकि वो एंग्लो इंडियन के लिए अभी भी आर्टिकल 333 में रिजर्व है, तो 543 जो है हम जो है महा ऊर्जा केंद्रों को जिता पाएंगे और इन अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी। होंगी एकदम आप डू एग्री विद मी? एग्री सर, 100% हाँ? एग्री। तो अब जो है आप भिड़ जाइए, जी बिल्कुल। तो आप किस ऊर्जा से भिड़ रहे हैं वो आपके जो ऊर्जा केंद्र पैदा होंगे उससे मैं आकलन करूंगा। बिल्कुल।
आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्योंकि ये इंटरिम व्यवस्था है, आगे चल के हम इसको ऐप से हैंडल करेंगे। वी कैन स्टार्ट इट राइट नाउ, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट राइट नाउ, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम इसको ये करके और अपना ऊर्जा केंद्र बनाना शुरू करते हैं, लोगों को जोड़ना शुरू करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम एक साल अपनी एनर्जी का फोकस जो है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पे करें, क्योंकि इन तीनों राज्यों में लोग बाग कांग्रेस से भी दुखी हैं और भाजपा से भी दुखी हैं। तो यदि उनको एक ऑप्शन मिल जाएगा तो आप इसे डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे, और फिर 2024 में लोग बाग आपको ज्यादा गंभीरता से लेंगे। 2023 और 2024 के बीच में संभवतः ये वो सब कर देंगे जो अपन चाह रहे हैं। यदि नहीं करते हैं तो फिर 2024 के बदलाव के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे सर, हाँ हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन करना ही है ना? हमारा उद्देश्य जो है, हमने अपने जस्ट ए मिनट हमने अपने उद्देश्य को बड़ा स्पष्ट किया है कि हम भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, हम भारत को समृद्ध बनाना चाहते हैं, भारत को निरोगी बनाना चाहते हैं, भारत को दीर्घायु बनाना चाहते हैं। भारत जो अभी जातियों और धर्म में लड़ झगड़ के जो है खून खराबा कर रहा है उससे ऊपर उठाना चाहते हैं। भारत में जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो अपने जो है विकास की पराकाष्ठा तक पहुंचे, और उसको यदि स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिल सके जिसके लिए आत्मा ने जन्म लिया है तो वो बहुत उत्तम होगा। और उसके लिए हमने जो मंत्र गढ़े हैं, पहला मंत्र ये है कि पार्टी विहीन प्रजातंत्र लाइए। इसका मतलब है पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में हमें पार्टियों को विलोपित करने की व्यवस्था लाना पड़ेगी। दूसरा, हमें अपराधी विरोध राजनीति लाना पड़ेगी, अपराधी मुक्त राजनीति, राइट? तो उसके लिए हमें पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में प्रावधान करना पड़ेगा। बिल्कुल तीसरी बात है कि हमें चुनाव सॉरी खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था लाना होगी। तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये व्यवस्था हमें पार्लियामेंट में इनेक्टमेंट के थ्रू लाना पड़ेगी, किसी की मेहरबानी पे नहीं रहेगी वो। फिर बिल्कुल चौथा जो है, हमें साइबर क्राइम फ्री और क्राइम फ्री भारत बनाना है, ये इसका नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि करेंसी फ्री, पेपर करेंसी फ्री भारत, तो हाँ डिजिटल करेंसी करेंसी होगी। और फिर नेक्स्ट जो है टैक्स फ्री भारत, तो हम महंगाई के कुचक्र से भी बाहर निकल पाएंगे। फिर ये जो बात है टैक्स फ्री भारत के बाद जो नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड फार्मिंग एंड जिसके माध्यम से हम अपने देश को समृद्ध भी बना पाएंगे, निरोगी भी बना पाएंगे, दीर्घायु भी बना पाएंगे। और आज जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो जलवायु की हो, चाहे वो स्वच्छता की हो, चाहे वो जल और उसके प्रदूषण की हो, उन सबको हम जो है दूर कर पाएंगे बहुत आसानी के साथ। और हम अपने भारत को जो है विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बना पाएंगे और भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर पाएंगे। इतने सारे ऑब्जेक्टिव के साथ हैं, और इसमें जो रूट है वो रूट जो है पार्लियामेंट के रास्ते से होके जाता है। तो बिल्कुल चाहे हमारे चुने हुए प्रतिनिधि करें या हम जो है इनको पराजित करके स्वयं विधान पार्लियामेंट में बैठ के ये सब नियम कानून बनाए, ये मायने नहीं रखता है कौन बना रहा है, लेकिन इस भावना के साथ बनना चाहिए और इस कंटेंट के साथ बनना चाहिए। महत्वपूर्ण, ठीक बात है, ठीक बात है। अगर तो ऑनेस्ट है कोई भी हो सकता है, मैंने एकदम ऑनेस्ट मैंने ये क्लियरिटी नहीं, वो तो बेसिकली हम जो आएंगे तो मजबूरी में आएंगे। आप। हाँ हम लोग तो भाई, अब नहीं तो आज ही, हम तो कह रहे हैं आज ही ये सारी चीजें एस्टेब्लिश हो जाए, जरूरत ही नहीं है। हाँ अगर नहीं, तो हम उनको फिर जो है अभी 330 सीट मिल रही हैं, फिर हम ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से उन्हें 545 सीट दिलाएंगे ना। ना, बिल्कुल बिल्कुल सारी सारी दिलाएंगे। लीजिए आप हाँ सक्षम तो बनिए, कैपेबल होइए, हमें कहाँ दिक्कत है। आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप आगे बढ़िए, हम तो आपके साथ हैं। बिल्कुल सर, अरे जबरदस्त कॉन्सेप्ट है सर। आज फिर आज मैं समझ पाया हूँ सारी चीजों को,
और इस पर मुझे जो लग रहा है, आखिरी कंक्लूजन मैं दूं आपको, मुझे जो लग रहा है कि हम लोग इसी जन्म में ऐसा होता हुआ देखेंगे। अभी तक ऐसा विश्वास नहीं था मुझे, मुझे अब ऐसा फील हो रहा है, क्यों हो रहा ये, है मुझे नहीं पता। ये केवल आज से 2 साल दूर है केवल। हाँ हाँ हमें दिख रहा है कि हम लोग ऐसा होते हुए देखेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ हाँ जी हेलो। हेलो। हाँ 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 सर, हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ कि ऐसा होगा, ऐसा मुझे फील हो रहा। अभी तक ये लग रहा था कि शायद क्या होगा, पता नहीं कैसे किस नहीं, आप तरफ ये क्या। बताइए कि हम ये चीज 2024 तक क्यों नहीं कर सकते हैं? इससे ज्यादा समय क्यों चाहिए हमें? बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब इसमें ऐसा क्या, जब 9 दिन में जो है ना आप 100 करोड़ पहुंच सकते हैं, तो हम ऐसे का जिसमें हमें कोई नुकसान नहीं है उसको हम संकल्पित भाव से क्यों नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, और बिल्कुल कर आप सकते आज ये बताइए, आप चाहे वो कोई भी नेता हो, कोई भी कुछ हो, वो अपने ही लोगों को तो जो है ना मूर्ख बना रहा है ना। हैं। ठीक बात है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं सर। तो भुक्तभोगी है हर व्यक्ति, 90% लोग भुक्तभोगी हैं, 10% लोगों पर वर्चस्व बनाए हुए हैं। 90 और 10 का रेशियो है, 90% पैसा 10% लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और 10% में 90% लोग एनी हाउ एडजस्ट कर रहे हैं, सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, दबे कुचले हैं, टाइप यही है। तो क्या हम सूची बना के अपने प्रभाव क्षेत्र के सभी पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को, सभी जो है समाज सेवी संगठनों को, अपने प्रभाव क्षेत्र के, अपने प्रभाव क्षेत्र का मतलब है कि जिनसे आपका 1-to-1 लगाव है, परिचय है, बिल्कुल ठीक है ना, जो नए हैं उनको किसी दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएंगे। ठीक बात है, ठीक तो बात है। क्या हम इस भाव से भिड़ के ये काम आज से ही यदि करेंगे तो निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे, विजयी होंगे। ठीक बात है, ठीक बात है, और इसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग जुड़ेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे। तुम किसी का नुकसान है ही नहीं ना, किसी धर्म किसी जात किसी संप्रदाय को प्रभावित नहीं करती है हमारी विचारधारा या एक्टिविटी, कहीं से कोई उसको कहीं से उसके ऊपर कोई आपत्ति ही नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मुझे नहीं जो लगता, हमारे मूल ऑब्जेक्टिव हैं उससे आप किस हद तक सहमत हैं? बिल्कुल सर, देखिए वही रूट ही है, उससे इस हद तक सहमत हैं कि हमारे पास इसके सिवा कोई विकल्प भी नहीं है, और वो बहुत सशक्त माध्यम है। जो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है ना, वो जबरदस्त है सर। अब ये एक एक बात और आ सकती है आने वाले समय में, जहाँ पर हमें में भी एरर हो सकता है कि लोगों को समझाने में वहां तक रिवर्ट करके लाने में, ये एक क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मूढ़ बुद्धि के हैं, जिनको समझ में ही नहीं आती बात। अगर जैसे हम लोगों का रेशियो बढ़ेगा, लोग वही वही वाली बात आपने बताया जो कि जब बमबारी होगी पत्थर पर तो अपने आप वो महाऊर्जा केंद्र बनेंगे, ये एक इसको इसको भी हमने अपने वेदों से ही लिया है, अपने जो है ना उससे ग्रंथों से ही लिया है कि हमारे डकैत वाल्मीकि जी थे, जब उन्हें ऋषियों ने ऊर्जा कृत किया तो वो महर्षि वाल्मीकि बन गए और उन्होंने रामायण की कृति की, कृति की, राइट। तो वो पत्थर ही थे ना, एकदम पत्थर ही थे, एकदम उसमें कहीं कोई शक नहीं है। और बहुत सारे उदाहरण हैं आज के डेट में भी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसा नहीं है कुछ समय से, आज के डेट में भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आधुनिक युग में भी हैं, कि बहुत सारा निगेटिव व्यक्ति ने बहुत सारा पॉजिटिव वर्क कर दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर, ये किया जा सकता है। और हम लोग देख सकते हैं भारत को विश्व गुरु बनते हुए अपने इसी जन्म में भी, हमने हम लोगों ने बैलगाड़ी भी। अरे ये मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी मुझे अपना जो है नेशनल एडवाइजर बना लें, मैं गारंटी देता हूँ कि 5 साल में जो है भारत वहां पहुंच जाएगा, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी का वो चरित्र है, वो दृढ़ता है, वो दृढ़ता है इस व्यक्ति में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब ये है, अब प्रॉब्लम उसमें ये है कि बीच के लोग जो है वो जो है ठीक ढंग से पहुंचने नहीं देते हैं,
और सभ्यता बहुत सारे ढंग से डरा के रखते हैं। सर अब ऐसा है ना, इसमें अब हम लोग एसोसिएट होते हैं, पहली फुर्सत में पहले तो आप मेरा मोबाइल नंबर सेव कर लीजिए, कभी भी अगर मैं मैसेज करके ही आपको कॉल करूंगा। ओके। और जिससे कनेक्टिविटी एक तो बनी रहे, क्योंकि इंटरप्शन से दिक्कत करेगा, हम नेक्स्ट बहुत जल्दी एज सून एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सकता है मैं एक बार भोपाल आता हूँ। आप तो आइए, हम बिल्कुल लोग आइए, आपका स्वागत है। और आपका वो प्रोजेक्ट, मैं आपके वो चीजों को समझना भी चाहूंगा, क्योंकि जब मैं ना मैं पेपर को देखूंगा तो ज्यादा बारीकी से समझ पाऊंगा। देखिए मैं भी यही सोच रहा हूँ। और अब नरेंद्र मोदी तक सीधा पहुंचने का वो बहुत बड़ा माध्यम है, क्योंकि जब मैं अमित मतलब ये नड्डा जी और अमित शाह तक पहुंच सकता हूँ एकदम इनोसेंट, जिसका मेरा कोई वजूद ही नहीं है, तो आप अगर उस बात को समझ लेंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो एक बड़ा अच्छा माध्यम है नरेंद्र मोदी तक पहुंचने का, एक अच्छा माध्यम है। हो सकता है भगवान क्या करता है, क्या होगा कैसे होगा, बट मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा सुसंयोग होगा जब इन सब नहीं, चीजों को लेकिन लेकिन अपन को जो है नरेंद्र मोदी जी से शक्ति के साथ मिलना है। मतलब देखिए, यदि आप निर्मल और असहाय होंगे तो आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, आपको घुस भी दिया जाएगा तो हाँ हाँ कह दिया जाएगा। तो आपको ये बहुत जरूरी है कि आप अपने ताकतवर होकर जाए, कि आप ऊर्जा केंद्र की संयुक्त शक्ति से यदि पहुंचेंगे तो तवज्जो भी दी जाएगी और वो ग्राउंड में परिणति भी होगी और वो उनका पदी कर्तव्य भी है, क्योंकि आम जनता के भावों को ही तो फलीभूत करने का उनको चुन उनको उसीलिए तो चुना गया है ना उनको। ठीक बात है। और पार्टी का चलिए ठीक है सर, फिर शुभ रात्रि, और आप नंबर हमारा सेव कर लीजिए, हम अगली अगले दौर में हम लोग बात करेंगे बहुत जल्दी, हम थोड़ा सा टाइम स्पेयर कर लें, यहाँ पे कैसे निकलना है, फिर आप हम आपसे प्लान आउट कर लीजिए और हमको से इंडिकेट कर दीजिएगा तो आई विल ट्राई दैट आई विल नॉट मूव आउट। यस, मैं वो प्लान करके ही चलूंगा, क्योंकि हम भी इस तरह से मूवमेंट फ्री मूवमेंट में नहीं हो सकता इस वक्त, क्योंकि बहुत सारी चल रही है मेरे पीछे भी, वो मैथमेटिक्स चल रही है लोगों की, तो वो हम उसको चाहेंगे कि हम थोड़ा सा जल्दी एज सून एज पॉसिबल आपसे मिले और आप इस चीजों को समझें और पटल पर रखा जाए, फिर उसके बाद आगे जो प्रक्रिया हम लोग उस पर तो लगेंगे और लगेंगे आज लगेंगे। और लेकिन जो ऊर्जा केंद्र का काम है उस पर काम अभी तत्काल प्रभाव से आज से ही चालू होगा। आई एम रेडी, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबसे बड़ी चीज है, तो बहुत सारे डिस्कशन हमने देखे हैं, बहुत सारे लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर नहीं पा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों से आपके डिस्कशन हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर रह जा रहा है, आप भी समझ रहे होंगे इस बात को। मैं जैसा समझ जो मैंने देखा, बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो बहुत बुद्धिजीवी बौद्धिक लोग हैं, उन लोगों के माइंड में भी कहीं ना कहीं एरर रह जा रहा है, ये एरर एकदम बिल्कुल खत्म हो गया इस पर मेरा जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इसमें तो हर हाल में प्लस ही प्लस है, निगेटिव तो कहीं कुछ है ही नहीं, ना ही कहीं ये प्रक्रिया हम लोगों कहीं किसी काम के लिए बाधित करती है, बल्कि और प्रमोट करती है कि अपने जिन जिस काम को कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करती है, कहीं इंटरप्ट नहीं करती, तो लोगों को समझना चाहिए। और धीरे धीरे जैसे ही डेवलप होगा ना, बहुत तेजी से आंधी आएगी इसकी, और जब आंधी आएगी तो एकदम सारी चीजें, बात वही आपकी, लाली देखन मैं चली जित देखूं चित लाल, कैसे करके आपने बताया कबीरदास जी का ना, तो बिल्कुल वही बात चरितार्थ होगी इसमें निसंदेह कोई दिक्कत। चलिए बीएन शुक्ला जी, आपके जो है मुंह में घी शक्कर, और हम एक अच्छे समृद्ध और निरोगी दीर्घायु और जी बिल्कुल विश्व गुरु भारत, जो कि वसुंधरा कुटुंबम की भावना को फलीभूत करते हुए चारों तरफ शांति का वो करेगा, बट ये शांति जो है शक्ति के ऊपर आधारित होगी, निर्बलता के ऊपर आधारित नहीं होगी, नहीं होगी बिल्कुल, निर्बलता पर शांति आती ही नहीं, वो तो असंतोष आता है सर ना, निर्बल है तो असंतोष आएगा, असंतोष से हम चुप तो हो सकते हैं, दब तो सकते हैं, मगर शांति कहाँ से लाएंगे, वो तो ताकत से ही होती है ना। चलिए तो इस वार्ता को अब यहीं पे विराम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुभ रात्रि आपको भी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।